आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 19 जून 2024 को सिवनी में घटे घटनाक्रम के उपरांत लगभग 6 दिन से लगातार कोई ना कोई गतिविधि यहाँ जारी है। प्रशासनिक तौर पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ अगर बहुत ज़्यादा संतोषजनक होती तो इस तरीके का विरोध शायद देखने को नहीं मिलता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल सोमवार 24 जून को सकल हिंदू समाज के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और जब ज्ञापन लेने जिलाधिकारी, जो नवागत जिलाधिकारी स्वयं नहीं पहुंची, तो वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दिया गया, जिसके बाद नवागत जिलाधिकारी मौके पर पहुंची और उनके द्वारा ज्ञापन लिया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये सिवनी में वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफ़ी हद तक आरोश असंतोष व्याप्त दिखाई दे रहा है और इसके अलावा सिवनी के अलावा बालाघाट बंद का, जो बालाघाट बंद हुआ उस वो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा। जिस तरह की बात मुख्यमंत्री निवास के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताई कि बालाघाट में जो बंद कराया गया था, वो बालाघाट बंद के बाद जिस तरीके का जो चीज़ें निकल कर सामने आई, उन चीज़ों के बाद प्रशासन ने, प्रदेश शासन के द्वारा काफ़ी हद तक इन पूरे मामलों को बहुत गंभीरता के साथ लिया। संस्कृति जैन जिला कलेक्टर के रूप में पहली बार सिवनी में पदस्थ हुई हैं। वैसे अगर सिवनी का इतिहास आप देखें तो सिवनी में 99% जिलाधिकारी पहली बार ही सिवनी में तैनात हुए। ये कहा जाए कि पहली कलेक्ट्री उनकी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये आपको यहाँ पर सोमवार 24 जून 2024 की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ जिला कलेक्टर संस्कृति जैन स्वयं ज्ञापन लेने बाद में पहुंची। पहले ज्ञापन लेने का, जो यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे, उनका कहना था कि जब उनके द्वारा ये कहा गया कि ज्ञापन जिला कलेक्टर को ही उनके द्वारा सौंपा जाएगा, पर संभवतः वहाँ पर जो भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी थे, उनके द्वारा कहा गया कि ज्ञापन वे दे दें, वे जिला कलेक्टर तक भेज दिया जाएगा। पर जब वहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ थोड़ी सी निर्मित होने लगीं तो आंदोलन, माफ़ कीजिएगा, जो ज्ञापन सौंपने आए लोग थे उनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से आरंभ कर दिया गया, जिसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हनुमान चालीसा का पाठ जो ज्ञापन सौंपने आए थे उनके द्वारा किया जाने के बाद जिला कलेक्टर स्वयं अपने चैम्बर से बाहर निकली। संस्कृति जैन आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनके साथ SDM भी हैं, SDM भी उनके बाजू में चल रही हैं। और संस्कृति जैन ज्ञापन लेने यहाँ पहुँची, तब जाकर लोगों को थोड़ा सा उनका रोष कम हुआ। दरअसल सिवनी की एक परंपरा, जो अघोषित परंपरा आरंभ हो गई है कि अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वे पुलिस के हों या जिला प्रशासन के, वे जनता से पिछले 1.5-2 दशकों से दूरी बनाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जनता हो या मीडिया, चाहे कलेक्टर हों चाहे SP हों, वे जनता से और मीडिया से वे दूरी बनाकर ही रखते आए हैं, जिसका कारण ये भी बताते हैं प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, चाहे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हो या जिला कलेक्टर कार्यालय में, वे इस तरीके का कब्जा उन्होंने अघोषित तौर पर वहाँ जमा लिया है कि उनके द्वारा अधिकारियों को जो भी फीडबैक दिया जाता है, ये हम नहीं कह रहे, ये सूत्रों का कहना है, उनके द्वारा अधिकारियों को फीडबैक दिया जाता है कि सिर्फ विधायक सांसद से ही बात की जाए, आम जनता से बात नहीं की जाए। इसमें कितनी सच्चाई ये कहना मुश्किल, पर सूत्रों का यही कहना है। अगर एक समय था, अगर लोगों को याद होगा, दुर्गा माधव मित्रा, DM मित्रा यहाँ जिला
पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, वे कोतवाली में शाम को जाकर बैठ जाया करते थे। मोहम्मद पाशन राजा होते थे, यहाँ पर जिला कलेक्टर एमपी राजन कलेक्टर थे, वे भेष बदल कर निकला करते थे, पर पिछले डेढ़ दो दशकों में किसी जिला कलेक्टर या किसी पुलिस अधीक्षक को शायद ही किसी ने सड़कों पर पूछताछ करते हुए या खवासा या मेटेवानी की जांच चौकी में क्या चल रहा वो देखने की, कृष्णपंज मंडी में क्या चल रहा वो देखने की, या इस तरीके से किसी शराब दुकान में जाकर रात को 12 बजे शराब मिल रही है कि नहीं मिल रही ये देखने की जहमत शायद किसी ने नहीं उठाई है। यही कारण है कि यहाँ पर काफ़ी दूरियाँ महसूस की जाने लगी हैं प्रशासन और जनता, प्रशासन और मीडिया के बीच। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस तरीके की बात की पुनरावृत्ति ना हो तो बेहतर होगा, इसके लिए जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक को स्वयं इस बारे में विचार करना होगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।